हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज माही। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो ट्राई ऑन हॉल, और ये सारे कपड़े मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। मैं इनको गोवा लेके गई थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं 90 रुपीज़ से। 90 रुपीज़ का मैंने कौन सा टॉप लिया है वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये रहा वो प्यारा सा टॉप, रेड कलर का, और इसका नेक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और साइड टू साइड आपको देखने को मिलेगा, जो मैं ट्राई करती रही हूँ वो भी ट्राई देखने को मिलेगा। इधर लगा देती हूँ। इधर जो आप देख सकते हैं मैंने पहना था, इसको पहनने के बाद ये कैसा लग रहा है। जो मैंने इसके नीचे ट्राउज़र पहना है वो मैंने अर्बेनिक से लिया था, स्केट लिया था पूरा, जब मैं महाराष्ट्र टूरिज़म की तरफ से मुंबई और पुणे घूमने गई हुई थी। तो इसकी स्लीव बहुत छोटी सी हैं और बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं, शोल्डर पर आ रही है। और इसका नेक बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक देते जाऊंगी साथ के साथ। और इसका फैब्रिक बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, पता है, एक्स्ट्रा स्मॉल। मैं जितने भी कपड़े लेती हूँ सारे एक्स्ट्रा स्मॉल में लेती हूँ, एक्स्ट्रा स्मॉल में मुझे परफेक्ट आते हैं। और जो मेरा साइज मेजरमेंट है वो भी मैं साइड में लिख दूंगी। वैसे 32, 28, 34 ऐसा मेरा साइज है। तो इस पर मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल बहुत अच्छे से आ जाता है। तो ये फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका मटेरियल भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, मतलब लाइक बॉडी हगिंग टाइप का है, और बहुत ज़्यादा ब्रेडिबल है। समर्स में भी आप इसको पहन सकते हो, विंटर्स में भी लेयरिंग कर सकते हो। तो मैंने गोवा में बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए मैंने इसके ऊपर कुछ भी लेयरिंग नहीं की थी, सिर्फ ऐसे ही पहना था। उसके बाद अगेन मेरे पास आ जाता है बहुत ही प्यारा सा टॉप। इसको मैंने बीच पे पहना था, ये फुल स्लीव्स में है, और इसका जो बैक है वो बिल्कुल ही खाली है। इसके नीचे बैकलेस ब्रा होती है ना, वो पहन लेना। मैंने तो सिर्फ खाली पैड ही लगाए थे, जो कि मैंने अर्बेनिक से ली थी अगेन। एंड देन इसका जो यहाँ पे आपको टाई करने के लिए कुछ दिया हुआ है, इसको आप टाई कर सकते हैं। मैं साइड में पिक्चर लगा दूँगी। मैंने इसको H&M के ट्राउज़र के साथ स्टाइल किया था, आप साइड में देख सकते हैं। और इसका जो फैब्रिक है वो इससे बहुत थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं है। इसको हम वॉश करने के बाद सिर्फ 2-3 बार ही पहन सकते हैं। उसके बाद ये रहा हमारा सबसे यूनिक टॉप, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। जो भी कोई गोवा जाता है ऑफकोर्स आई नो कि ये टॉप तो खरीदता ही खरीदता है। तो ये टॉप मैंने पहना था सितंबर में, जब मैं आहना के साथ गोवा गई हुई थी। आहना मैं पुष्पिंदर वगैरह गए थे, तो तब मैंने इसको पहना था। और ये बहुत ज़्यादा बोल्ड है तो मैं इसको लेयरिंग करके पहन रही थी। मैं इतने हॉट कपड़े पहनती नहीं हूँ, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैंने इसको 2-3 बार पहन लिया, बट ये अभी भी ऐसे के ऐसा ही है। तो आप लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम देखा ही होगा, मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड कपड़े नहीं पहनती हूँ, अगर पहनती हूँ तो ऊपर की साइड पहनती हूँ। टॉप में मेरा कोई डिज़ाइन होता है मोस्टली, ट्राउजर्स में, पैंट में, या फिर वन पीस में उतना कोई हॉटनेस नहीं होती है। तो बिकॉज ऑफ फैमिलीज़ की वजह से, और मेरा खुद से भी ऐसा रहा है। एंड देन उसके बाद हमारा टॉप आ जाता है ब्लैक कलर का टॉप। तो इसको मैंने इतना घिसा 3-4 इवेंट्स में पहन लिया, 5-6 बार वैसे पहन लिया, और 10-15 बार गोवा में पहन लिया। इतना ज़्यादा मुझे ये पसंद आया है। यहाँ से ना इसमें लास्टिक भी हुई है, तो ये मीडियम साइज़ तक इजीली आ जाता है। मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल में लिए हैं अपने सारे कपड़े, और उसकी स्लीव्स पे भी रबड़ लगी हुई है। तो यहाँ पे ये हग कर लेती है और हमारी बॉडी को हग कर लेती है। इसको मैं लेयरिंग भी कर लेती हूँ और सिंपल भी पहन लेती हूँ, साथ रेड कलर का पैंट के साथ, ज़ारा का पैंट था, और अर्बेनिक से मैंने स्कर्ट लिया था उसके साथ पहना था। तो काफ़ी बार मैंने इसको स्टाइल कर लिया, और बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ये भी। मैं इसका लिंक, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालते जाऊँगी। एंड देन अब हमारा आ जाता है फाइनल कोर्सेट। तो ये है हमारा ट्राउज़र, और इसका जो टॉप है वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो गीला हो चुका है। और ये भी मैंने आई थिंक 450 या 500 का लिया था, मीशो से ही लिया था। मीशो पे भी ये इजीली अवेलेबल है, लास्टिक में है। अभी तो ये मेरे लूज़ हो चुका है, आई थिंक मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल में लिया था, फिर भी ये मेरे लूज़ हो गया है, क्योंकि मैंने पिछले 6 महीने में बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया है। कैसे, वो 12 आवर्स तक मैं फास्टिंग रखती हूँ, 12 आवर्स के बाद ही मैं कुछ खाती हूँ। और मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं मॉडलिंग में ट्राई कर रही थी इसलिए मैंने ऐसा किया। तो यही है हमारा ऑल ओवर मीशो हॉल। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो बिग थम्स अप, लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय, सी यू सून।